प्रधानमंत्री मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र काशी के लोगों को संदेश, कहा 1 जून को काशी के लोग बनाएं कीर्तिमान, मतदान में बढ़ चढ़ कर लें हिस्सा। शिमला के जाखू मंदिर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किए दर्शन, काफी देर बैठकर लगाया ध्यान। शिमला में विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सुरेश कुमार कश्यप ने के लिए किया चुनाव प्रचार। पटना में प्रचार के आखिरी दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, बोले इंडिया गठबंधन को मिल रही है 300 से ज्यादा सीटें, देश में बनेगी इंडिया अलायंस की सरकार। गोरखपुर में आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ और एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन के लिए किया चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर दोहराया, एनडीए को मिल रही है 400 से ज्यादा सीटें, इंडिया अलायंस की हार निश्चित। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में सीएम ममता बनर्जी ने किया पैदल मार्च, टीएमसी उम्मीदवार सायोनी घोष के लिए किया चुनाव प्रचार। झारखंड के दुमका में जीएमएम सांसद महुआ मांझी का बड़ा दावा, बोली जीत इंडिया गठबंधन की होगी, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान का बयान, बोले चुनाव से बड़ी उम्मीदें हैं, जीत टीएमसी की होगी, अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ लड़ रहे चुनाव।